सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, प्रोफेसर साहब का, इंस्पेक्टर साहब का, शाहबान रजा साहब का, तनवीर चौधरी साहब का और अपने मीडिया का और खासकर मजहर का जो बहुत ज्यादा एक्टिव है यहाँ के सोशल को लेके जो प्रोग्राम करवाते हैं, हमारे बैटालियन जो आर्मी है उनका भी। अभी मैं अपनी छोटी छोटी बहनों को ये बोलना चाहूंगी कि मैं भी जब आप चिंतित थी कि किसी स्कूल में इन्हीं के सामने स्कूल में पढ़ पड़ती थी, मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई हासिल की, उसके बाद मैंने भी आगे जाकर अपने मकसद को हासिल किया, अपने पाँव पे खड़ी। बुजुर्ग साथी, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं 49 आरआर का तहदिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम करते हैं। तो आदमी केवल अकेले से हासिल करता है। आपको मेरी आज के मौका की हमारी जो है हमेशा कोशिश होती है कि हम जो है वो गुलाम, इस बार हमारी एक आपसी फील कर रहे हैं। अगर सोसाइटी का एक घर को जो है बनाने में अहम है, लड़ाकती का जो है काम करती है तो वो हमारी भाई बहने करती है। तो सोनिया के बाद जो है शाफिया बंसार स्टेज पे आ जाए, जिन्होंने इनका शुक्रिया अदा करें। सोनिया के बाद जो है शाफिया बंसार स्टेज पे आ जाए, जिन्होंने इनका शुक्रिया अदा करें। जी, मेरा नाम प्रशंसा कौर है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर यहाँ ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं भी इसी गांव से हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर मैं आगे जा सकती हूँ तो ये बेटियाँ भी आगे जा सकती हैं, इस गांव की नाम रोशन कर सकती हैं। और ये यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये करवाते रहना चाहिए इनको, ताकि इनको अवेयरनेस हो बेटियों को, क्योंकि बेटियाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं सोसाइटी की, और वो कभी भी किसी पे बोझ नहीं होती। बेटियाँ जो होती हैं वो एक आगे जाके एक अपना तीन घर चलाती है। सबसे पहले तो वो अपने फादर का एक अपना बेटी बन के एक रोल अदा करती है, उसके बाद अब एक बीवी बन के वो रोल अदा करती है, फिर एक माँ बन के रोल अदा करती है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी सोसाइटी वालों को कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाइए, उनको बचाने की कोशिश कीजिए। जो अबॉर्शन वगैरह करवाते हैं वो ना कीजिए। मैं हम भी 5 बेटियाँ हैं, हमारा भी कोई भाई नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जेंडर, ये जो जेंडर इशू है ये नहीं होना चाहिए। जेंडर इशू की वजह से बेटियाँ पीछे रह जाती हैं, वो सोच में पड़ जाती हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मकाम हासिल होना चाहिए।